अभी अभी लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। पांचवें चरण के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही अचानक से बहुजन समाजवादी पार्टी के मुखिया एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कांग्रेस के समर्थन में एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उनके इस ऐलान से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दोस्तों, आप 2019 में किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक तरफ पांचवें चरण के लिए सभी राजनीतिक दलों का चुनावी प्रचार प्रसार थम चुका है, वहीं सोमवार को यानी 6 मई को उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों सहित 7 राज्यों के 51 सीटों पर मतदान डाले जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली सीट सबसे हार्ड सीट मानी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सीट से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही है। दरअसल आपको बता दें, इस बार के लोकसभा चुनाव में अक्सर ही कांग्रेस के खिलाफ बोलने वाली बसपा की सुप्रीमो मायावती अचानक कांग्रेस के समर्थन में आ खड़ी हुई है। इससे पहले मायावती ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ भारी कीमत चुकाने की धमकी दी थी और फिर अचानक कुछ देर में ही उन्होंने पाला बदलते हुए कांग्रेस को समर्थन की बात कहने लगी। दरअसल आपको बता दें कि आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मायावती ने अमेठी और रायबरेली सीट पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए वोट देने की अपील करती नजर आई। दरअसल आपको बता दें कि सपा बसपा रालोद गठबंधन ने उत्तर प्रदेश की वीआईपी लोकसभा सीट अमेठी और रायबरेली में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। शायद इसी कारण से ही मायावती ने इन दोनों सीटों पर लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की है। मायावती ने कहा कि हमने कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए रायबरेली और अमेठी सीट पर हमारी पार्टी का वोट कांग्रेस को मिलेगा। मायावती ने कहा कि हम देश और जनहित में खासकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वादी ताकतों को कमजोर करने के लिए उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ दी थी। मायावती का कहना है ताकि कांग्रेस के दोनों सर्वोच्च नेता इन दोनों सीटों से चुनाव लड़े और दोनों सीट उलझ कर ना रह जाए, फिर कहीं भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा यूपी के बाहर कुछ ज्यादा ना उठा ले। इस बात को ध्यान में रखकर ही हमारे गठबंधन ने दोनों सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दी थी। उनका कहना है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे गठबंधन का एक एक वोट हर हाल में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी को मिलने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि रायबरेली सीट पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का सीधा मुकाबला पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का हाथ थामने वाले दिनेश प्रताप सिंह से है। वहीं दूसरी तरफ अमेठी लोकसभा सीट पर कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी का सीधा मुकाबला मोदी सरकार में मंत्री एवं भाजपा के प्रत्याशी स्मृति ईरानी से है। वहीं आपको बता दें कि रायबरेली सीट से भाजपा के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह स्थानीय स्तर पर काफी दबंग नेता माने जाते हैं। वहीं दिनेश प्रताप सिंह के लिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा के बड़े नेताओं ने उनके समर्थन में प्रचार किया है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी शुरुआती चरण में पिछड़ती नजर आ रही है। उनका कहना है कि जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की भाषा बदल गई है। अखिलेश यादव का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा है। वह विकास, किसानों की आय जैसे मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने हमला करते हुए बोला कि प्रधानमंत्री सिर्फ लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि सपा बसपा रालोद गठबंधन तय करेंगे कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। उन्होंने हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वो जानते हैं कि वह सरकार नहीं बना पाएंगे, इस कारण वह आईटी, सीबीआई और ईडी की मदद ले रहे हैं।